Good morning to you all. Today's morning hukumnama from Shri Darbar Sahib Amritsar is by Shri Guru Arjan Dev Ji in Raag Tanasri Ang 673 of Shri Guru Granth Sahib Ji. Guru Ji talks about the synchronicities of life, about the abundance with which all of us are blessed with, and the unlimited and infinite nature of this universe. There was this king जो जाता है जंगल में शिकार करने और उसके साथ होते हैं उसके बॉडीगार्ड्स और उसको सपोर्ट करने वाले लोग. बट अनफॉर्चुनेटली वो रास्ते में सबसे बिछड़ जाता है एंड ही रियलाइजेज दैट ही इज़ ऑल अलोन इन द फॉरेस्ट. बहुत गर्मी होती है और उसको बहुत प्यास लगती है. बट इधर उधर देखता है पानी का कहीं कोई नामो निशान नहीं. थोड़ा आगे जाता है तो देखता है देयर इज़ अ वुड कटर. वो सूखी लकड़ियाँ काट के शहर में बेचता है और किसी तरह अपना और अपनी फैमिली का गुजारा करता है. तो वो लकड़ियाँ काट रहा होता है. राजा देखता है कि उसके पास पानी है. वो उसके पास जाता है. अब वुड कटर ने तो कभी राजा को देखा नहीं होता तो उसको नहीं पहचानता. तो राजा सेज दैट मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है. तो वुड कटर उसको पानी पिला देता है. अब राजा सोचता है कि इसको देने के लिए इस टाइम तो मेरे पास कुछ है भी नहीं है. तो वो उसको अपनी एक रिंग देता है. वो कहता है कि तुम मेरे महल में आना, तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगा. ये रिंग जब तुम मेरे गार्ड्स को दिखाओगे तो तुम्हें महल के अंदर एंट्री मिल जाएगी. अब वुड कटर जो है वो जाता है घर और जाके अपनी वाइफ को उस दिन का एक्सपीरियंस बताता है दैट टुडे whom he met. वाइफ कहती है कि हम इतने गरीब हैं, सोच क्या रहे हो, जाओ राजा के पास और जाके हेल्प मांगो. अगले दिन वुड कटर जो है वो राजा के महल में जाता है एंड एज सेट उसकी रिंग देख के जो गार्ड्स हैं वो उसको महल के अंदर आने देते हैं. जब वो अंदर जाता है तो वो देखता है कि जो राजा है वो एक जगह ज़मीन पे बैठे हुए हैं एंड हाथ जोड़ के प्रे कर रहे हैं. तो उसके साथ कुछ लोग खड़े होते हैं तो वुड कटर उनसे बोलते हैं कि ये क्या कर रहे हैं. तो वो बोलते हैं कि ये प्रे कर रहे हैं, भगवान से मांग रहे हैं ताकि जो महल के खजाने हैं वो भरे रहें, और मांग रहे हैं. वुड कटर थिंक्स कि अगर ये भी उस खुदा से ही मांग रहे हैं तो फिर मुझे इनसे मांगने की क्या ज़रूरत है, मैं डायरेक्टली उनसे क्यों नहीं मांगता. इफ़ ही इज़ ऑल्सो अ बेगर लाइक मी देन वाई शुड आई बेग हिम, वाई नॉट डायरेक्टली फ्रॉम द ऑल माइटी. सो ही इज़ अ गिवर. बट ओनली नीड दिस टू अंडरस्टैंड, टू एक्सपीरियंस द अबंडेंस ऑफ द यूनिवर्स. आपको क्या लगता है कि हम खुद कुछ कर रहे हैं? ये जो हम एजुकेशन, हम एजुकेट होते हैं, बुक्स हैं, पीपल, दे ऑल आर रिसोर्सेज. अगर एक जगह ब्रेकडाउन होता है तो वहाँ पे रुकना नहीं चाहिए क्योंकि देयर इज़ अबंडेंस. अगर एक किसी इंसान से रिजेक्शन मिलती है, कोई आप किसी से सपोर्ट मांगने जाते हो और आपको वो रिजेक्ट कर देता है या आपको सपोर्ट करने से मना कर देता है या किसी तरह का कोई बहाना कर देता है, डोंट गेट स्टॉप देयर. देयर इज़ अबंडेंस, अबंडेंस ऑफ एवरीथिंग. ओनली थिंग इज जिसको हम फेथ बोलते हैं ऑन द ऑलमाइटी. और वो फेथ कैसे डेवलप होता है? व्हेन द फोर मेजर फैकल्टीज ऑफ योर लाइफ, दैट इज फिजिकल, mental, emotional and energy, they all are in the same direction. When they all are in the same direction, that means you have sink in life, you have a proper hold of life, you are sinking in life and you are becoming one with the universe. Agar aap namak se puchoge ki samundar ki depth kitni hai, to namak समुंदर में जाएगा और उसके साथ ही मिल जाएगा. वो उसकी डेप्थ कैसे जानेगा? फिश पानी में रहती है और पानी की उसको, पानी को वो मेजर नहीं कर सकती, उसकी बस वो इम्पोर्टेंस ही जानती है. सो ओनली थिंग इज टू सिंक इन दिस यूनिवर्स, टू अंडरस्टैंड द सिंक्रोनिसिटीज ऑफ लाइफ.
एंड टू नॉट गेट स्टॉप्ड बाय द रिजेक्शंस. अगर कोई आपको रिजेक्ट करता है, देयर इज अबंडेंस, और लोग मिलेंगे और सारे रिसोर्सेज मिलेंगे. ओनली थिंग इज टू टेक द रेलेवेंट एक्शन. तो आज एक असाइनमेंट करते हैं. कभी भी आपको लाइफ में रिजेक्शन आपने फेस करी है, किसी ने आपको सपोर्ट करने से मना कर दिया, या कोई पास्ट का कुछ इस तरह का इम्पैक्ट है कि आपने कुछ चाहा और आपके साथ हुआ नहीं, आज उस पर दोबारा से एक्शन लीजिए. डोंट गेट स्टॉप्ड बाय पीपल रिजेक्टिंग यू, बिकॉज और लोग मिलेंगे. लोगों की तो अबंडेंस है, रिजेक्ट करने वाले लोगों की भी अबंडेंस है और सपोर्ट करने वाले लोगों की भी अबंडेंस है. ओनली थिंग इज टू बी प्रेजेंट टू द प्रेजेंट मोमेंट्स एंड टेक द एक्शन. सो लेट्स रीड आउट द हुक्मनामा. सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी. तनासरी महल्ला पंजवा. तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक नायक खसम हमारे. यू आर द गिवर ओ लॉर्ड. चेरिशर माई मास्टर माई हस्बैंड लॉर्ड. निमक निमक तुम ही प्रतिपालो हम बारिक तुमरे तारे. ईच एंड एवरी मोमेंट यू चेरिश एंड नर्चर मी. आई एम योर चाइल्ड एंड आई रिलाई अपॉन यू अलोन. जेवा एक कवन गुण कहिए. आई हैव ओनली वन टंग. विच ऑफ योर ग्लोरियस वर्च्यूज कैन आई डिस्क्राइब. बेसुमार बेअंत स्वामी तेरो अंत न किन्ही लहिए रहाओ. अनलिमिटेड इनफाइनाइट लॉर्ड एंड मास्टर. नो वन नोज योर लिमिट्स. तो हम उसकी लिमिट्स नहीं जानते. जस्ट प्रे, प्रे एंड टेक एक्शन, प्रे एंड टेक एक्शन एंड बिलीव इन द अबंडेंस. इस दुनिया में अबंडेंस है. आपको जो भी चाहिए वो आपको मिलेगा. जस्ट बिलीव इन द अबंडेंस एंड सिंक इन द यूनिवर्स. तो आज देखिए कि कहाँ कहाँ पे आप रुके हो, कहाँ कहाँ पे आप आज भी आप पे इम्पैक्ट है कि अगर किसी ने आपको लाइफ में रिजेक्ट कर दिया. एंड स्टार्ट बिलीविंग इन द अबंडेंस. टेक केयर. हैव अ ग्रेट डे. बी हैप्पी. बी बैलेंस्ड. वाहे गुरु.